हेलो फ्रेंड, मुझसे हमेशा बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल भी किया कि इसराइल भाई, मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, हम लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट से पैसा कैसे कमाएं। तो फाइनली फ्रेंड, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव के बारे में, जिसकी मदद से आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस अल्टरनेटिव साइट पर अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आप हर तरह का लगा सकते हैं, चाहे वो बैनर ऐड हो या नेटिव ऐड हो या पॉपअप ऐड हो या आप लोग पुश नोटिफिकेशन ऐड भी यूज करके पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी मेहनत आपके एक लाइक और शेयर के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जिस साइट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छी साइट है। अगर आपको इस साइट के ऊपर अप्रूवल मिल जाता है, आपके ब्लॉग को इस साइट के ऊपर अप्रूवल मिल जाता है, तो 100% आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट से अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा साइट है और यहाँ पर आप लोग साइनअप कैसे करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से अपने साइट के ऊपर एड भी प्लेस करेंगे। ये सब सारी जानकारी मैं आपको अपने सिस्टम पर ले जाके समझाता हूँ, ताकि दोस्तों आप लोग सही तरीके से समझ सकें। तो चलिए चलते हैं फटाफट सिस्टम पे। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने पीसी पे, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना एडसेंस के आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट से पैसा कैसे कमाएंगे किसी और अदर नेटवर्क को यूज़ करके। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उस वेबसाइट का एड आपके साइट के ऊपर कैसा देखने में लगेगा। लगभग मैं आपको यही कहूँगा कि लाइक गूगल एडसेंस की तरह आप लोग बैनर ऐड वगैरह वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कौन सा साइट है और वहां पे आप लोग साइन अप कैसे करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस वेबसाइट के ऊपर मुझे दो वेबसाइट का अप्रूवल मिल चुका है और दोनों साइट के ऊपर हमारा एड प्लेस किया गया है, वो भी गूगल एडसेंस के साथ। अगर आपको पहले से गूगल एडसेंस का अप्रूवल है तो भी दोस्तों आप लोग इस एड नेटवर्क को यूज करके पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कौन सा साइट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यही वो साइट है। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी पॉपुलर साइट है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सिंपल सा आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डोमेन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस डोमेन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप लोग इस पेज पे पहुँच पाओगे। उसके बाद दोस्तों, इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि भाई कितना यूज़र है और कितना मंथली यहाँ पर यूज़र आता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वेबसाइट की कुछ खासियत भी इन्होंने यहाँ पर बताई है कि कौन कौन एड नेटवर्क से ये काम करता है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सब सारे से ये एफिलिएट है, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे साइन अप कैसे करना है। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन इन का बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो सिंपली आपको पब्लिशर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस है इसे साइन अप करने का। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली डोंट हैव ए अकाउंट के ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे करोगे तो यहां पे दोस्तों बोला जा रहा है कि आप लोग अपना डिटेल्स यहां पे फिल करें। सिंपली आपको अपना नाम और ईमेल आईडी यहां पे आपको डालना है, उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस आपको करना होगा। तो चलिए हम फटाफट यहां पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमने नाम डाल दिया और एक ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर करना है क्लिक। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी अपना खुद का बनाना होगा, आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास स्काइप आईडी है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैसेज अकाउंट, आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि पेपाल अकाउंट के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो पेमेंट लिया जाएगा पेपाल अकाउंट के द्वारा ही ले सकते हैं आप। उसके लिए दोस्तों आपको पेपाल अकाउंट बना लेना है। अगर आपके पास पेपाल अकाउंट नहीं है तो कैसे बनाना है उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप लोग देख करके अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर करना है क्लिक। तो चलिए हम लोग फटाफट एक आईडी यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिया। अब साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने वेबसाइट को यहाँ पे डालना होगा। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट डालना होगा, वेबसाइट का लिंक डालना होगा। चलिए हम लोग फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वेबसाइट अभी वर्किंग नहीं है फिलहाल। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग साइन अप कैसे करेंगे। हमारे पास पहले से अकाउंट है, मैं आपको अपना अकाउंट ओपन करके दिखाऊँगा। तो चलिए हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा और आपके सामने एक मैसेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम, आपके पास इस ईमेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक गया होगा। चलिए आपको अपना ईमेल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ईमेल आपको देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 2-3 मिनट लग जाता है ईमेल आने में, आपको वेट करना है। तो चलिए हम लोग इस ईमेल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक वेरिफिकेशन बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कन्फर्म ईमेल। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप लोग अपने अकाउंट को ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपको लॉगिन पेज आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, आप लोगों को इसे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका डैशबोर्ड आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब वेबसाइट को कैसे ऐड करना है उसके लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर आपको जाना होगा और आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल लिया है। अब आपको किस तरह का ऐड अपने साइट के ऊपर चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले तो टिक लगाएंगे जैसा कि अभी हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऐड के ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो साइड है ये ऐड हो चुका है और ये चला गया है रिव्यू में। कुछ देर के बाद या कुछ घंटे के बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई आपका जो है वेबसाइट को अप्रूव कर दिया गया है, अब आप लोग यहां से ऐड यूनिट क्रिएट करके अपने साइट के ऊपर लगा सकते हैं। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐड नेटवर्क है ये कैसा ऐड प्रोवाइड करता है। तो हमारे साइट के ऊपर ये पहले से अप्रूव है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का ऐड आपको देखने को मिलेगा आपके साइट के ऊपर जब आप लगाओगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इस ऐड नेटवर्क को बेधड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एडसेंस के साथ। किसी भी तरह का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल साइड है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा साइड है जो कि ब्लॉगिंग रफ्तार के नाम से है और यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का भी ऐड अपने साइट के ऊपर आप लोग बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा आपको देखने में लगने वाला है इसका डैशबोर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आपका जो साइट जो होगा जो कुछ भी होगा यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दो साइट के ऊपर हमारा अप्रूवल है, ब्लॉगिंग रफ्तार यहाँ पे अप्रूव हो चुका है और टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल.com ये भी अप्रूव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि आप लोग अपने साइट के ऊपर कैसे ऐड लगाएंगे। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप लोग अपने वेबसाइट को यहाँ पे डाल दीजिएगा, जब अप्रूव हो जाएगा तब यहाँ पे दोस्तों इस तरह का कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑल ऐड कोड के ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको पेज देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब ऐड को हमने यूज़ नहीं किया है, जो ऐड अभी हमारा एक्टिव है चलिए हम उसी के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला ऐड यूनिट हमारा एक्टिव है, तो हम गेट कोड के ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसे कॉपी करेंगे, ठीक है।
कॉपी करने के बाद आपको अपने साइट का डैशबोर्ड ओपन करना है। हमारा साइट वर्डप्रेस पे है, चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जाना होगा अपीयरेंस के ऊपर और यहाँ पे विडगेट के ऊपर आपको करना है क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐड यूनिट प्लेस करने के लिए टेक्स्ट फाइल लेना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने पहले से यूज़ करके रखा हुआ है, जो कि दोस्तों हमारे साइट के ऊपर दिख रहा है। अब साथ ही साथ दोस्तों नया ऐड यूनिट लगाने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड के ऊपर करेंगे क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग के साइट के ऊपर कैसा ऐड देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हमने कोई भी नाम नहीं दिया है, तो सिंपली हम इसे ऊपर डाल देते हैं। ऊपर डालने के बाद दोस्तों अभी हम लोग अपने साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे कि इसके नीचे कोई ऐड यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को एक पोस्ट ओपन करना होगा। पोस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड दिखने लगेगा, जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऐड दिखने लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऐड अभी हमने लगाया है। तो इसी तरह से आप लोग अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। हर तरह का यहाँ पे आपको ऐड मिल जाता है, पुश नोटिफिकेशन ऐड भी आपको मिल जाता है, जिससे अच्छी अर्निंग होती है। हमने भी अपने साइट के ऊपर यूज़ किया है, अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस ऐड नेटवर्क से अर्निंग कैसी होती है। तो अर्निंग ठीक ठाक होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप लोग इस साइट को यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी साइट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसे यूज करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।